हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 टीचर हंटिंग मूवीज़ के बारे में यानी कि ये सभी मूवीज़ खजाने की खोज के ऊपर होने वाली है। तो दोस्तों, ये सभी मूवीज़ बहुत ही अच्छी है। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और जिसने पहले से किया हुआ है थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, बिना देरी करते हुए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, लेट अस स्टार्ट। नंबर फाइव पर आती है लारा कॉफ होम रेडर। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2001 में, जिसका जो नया फैंटेसी एंड थ्रिलर 1 घंटे 41 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है और 87% लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। 11 जून 2021 मूवी को यूएसए में रिलीज किया गया था और यह मूवी आपको यूट्यूब पर और गूगल प्ले मूवीज पर और नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। और यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है और इसकी कास्ट में आपको एंजेला जोली देखने को मिल जाएगी। इस मूवी के अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं, आप इन मूवीज़ को देख लेना, बहुत ही अच्छी मूवी है ये। नंबर फोर पर आती है सिंधबाद लीजेंड ऑफ द सेवन सी। यह हमारी लिस्ट की कार्टून मूवी है जो कि सन 2003 में रिलीज की गई थी, जिसका जाना है ड्रामा एंड फैंटेसी। 1 घंटे 28 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 7.6 की रेटिंग दी है और 92% के लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। और इसको 2 जुलाई 2003 को यूएसए में रिलीज किया गया था। यह काफ़ी अच्छी मूवी है जो कि आपको यूट्यूब पर और बाकी बहुत सी वेबसाइट पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी और यह हिंदी लैंग्वेज में है, आप इस मूवी को भी जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छी एनिमेशन मूवी है। नंबर थ्री पर आती है पायरेट ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2003 में, जिसका जेना है फैंटेसी एंड एक्शन। 2 घंटे 83 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 8 की रेटिंग दी है और 79% लाइक इसको रोटीन टोमेटो ने दिया है और 94% लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। इस मूवी को रिलीज किया गया था 15 अगस्त 2003 को इंडिया में और यह मूवी आपको यूट्यूब पर, नेटफ्लिक्स पर और बाकी की अदर वेबसाइट पर आपको आसानी से हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। और इसकी कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे जॉनी डीप। यह एक अच्छी मूवी है जिसमें हमें बताया गया है कि एक जैसे हम किसी भी कर्स वाले गोल्ड को चुरा लेते हैं या टीचर को चुरा लेते हैं तो क्या क्या होता है। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को मिस मत करना। नंबर टू पर आती है नेशनल टीजर्स बुक ऑफ द सीक्रेट। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2007 में, जिसके जेनना है केपल स्टोरी एंड थेरा। 2 घंटे 11 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में 6.5 की रेटिंग दी है और 91% लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। 21 दिसंबर 2007 को इस मूवी को यूएसए में रिलीज किया गया था और यह मूवी आपको यूट्यूब पर और गूगल प्ले मूवीज पर नेटफ्लिक्स पर आसानी से देखने को मिल जाएगी। यह मूवी भी हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसकी कास्ट में आपको निकोलस गेज देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को भूल कर भी मिस मत करना। नंबर 1 पर आती है द होबिट द डिसोलेशन ऑफ स्मग। इस मूवी को रिलीज किया गया था सन 2013 में, जिसका जेनना है ड्रामा एंड फैंटेसी। 3 घंटे 7 मिनट की मूवी है, जिसको IMDb ने 10 में से 7.8 की रेटिंग दी है और 74% के लाइक इस मूवी को रोटेन टोमेटो द्वारा दिए गए हैं। 92% लाइक इस मूवी को गूगल यूजर्स द्वारा दिए गए हैं। 10 दिसंबर 2013 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया था। एक काफ़ी अच्छी मूवी है, आप इस मूवी को भूल कर भी मिस मत करना। 3 घंटे 1 मिनट की मूवी है और यह 3 घंटे आपको यह भी नहीं पता लगेगा कि यह कब आए और कब चले गए। आप इस मूवी में खोने वाले हैं, फैंटेसी मूवी है, आप इस मूवी को भूल कर भी मिस मत करना। इस मूवी में एक ड्रैगन का खजाना होता है, तो आप इस मूवी को अंदर देखना वह खजाना किस प्रकार लूटा जाता है या नहीं भी। और यह मूवी हिंदी लैंग्वेज में है, जो कि आपको यूट्यूब पर और बाकी उधर गूगल वेबसाइट पर आपको आसानी से हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।